हाय एवरीवन, दिस इज आनंद फ्रॉम इंडियन किड्स क्लासेस। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 2, दैट इज द पॉलीनोमियल। ठीक है, आज उसका एक इंट्रोडक्टरी क्लास होगा और इंट्रोडक्टरी क्लास में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे कि पॉलीनोमियल होता क्या है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसकी यूटिलिटी क्या होती है। फिर फर्दर डील करेंगे कि आपका फैक्टर थ्योरम क्या हो जाएगा, रिमाइंडर थ्योरम क्या हो जाएगा, और उसके बाद आइडेंटिटीज एट लास्ट। ओके, नाउ लेट अस बिगिन विद दिस क्लास। देखिए, ये जो चैप्टर 2 है पॉलीनोमियल, ये क्लास 9 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 समझ लीजिए आपके क्लास 10th में आएगा। ठीक, क्योंकि क्लास 10th में भी आ रहा है जो कि आपका बोर्ड होगा, दैट इज वाई पे स्पेशल अटेंशन टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर, जिसमें पॉलीनोमियल में आइडेंटिटी भी आता है। ठीक, तो ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 जो इसका होगा वो क्लास 10 में डील किया जाएगा। तो इस चैप्टर का फंडामेंटल्स बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपको जानना। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहली बात कि पॉलीनोमियल होता क्या। ओके, पे अटेंशन टू दिस वर्ड पॉलीनोमियल। जहां पर ये पॉली जो वर्ड है, इसका मतलब होता है मैनी। ठीक, और मियल, सॉरी, और बाकी का जो नॉमियल टर्म है उसका मतलब होता है टर्म्स। पॉलीनोमियल का मतलब हो गया मैनी टर्म्स, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स मेनी टर्म। ठीक है, और इसका डेफिनेशन यहां लिखा है, इट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग वन और मोर देन वन टर्म्स, वेरिएबल्स हैव ओनली पॉजिटिव पावर्स। इसका मतलब क्या हो गया, पॉलीनोमियल कुछ नहीं है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। और आपको पता है प्रीवियस क्लास में हमने डील किया था कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन्स वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट्स, इन्हीं सबसे, और मैथमेटिकल ऑपरेटर, इन्हीं सबसे मिला के एक आपका एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है, और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलीनोमियल होता है। बात समझ में आई? और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि वेरिएबल्स हैव ओनली पॉजिटिव पावर। ये जो है पॉजिटिव पावर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपके पास एक टर्म आ जाए 2x² + 5√x, तो क्या ये पॉलीनोमियल होगा? इसमें तो टर्म्स हैं, 2x² एक टर्म है और दूसरा टर्म है 5√x, ये पॉलीनोमियल नहीं होगा। क्यों? रूट एक्स का मतलब हो गया x^2, और मैंने क्या बोला था, वेरिएबल्स ओनली हैव पॉजिटिव पावर। और पॉजिटिव पावर को और ब्रीफली अगर लिखें तो यहां पर होगा पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। केवल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ले सकता है, मतलब 2 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 0 हो गया, मतलब सारे होल नंबर चल सकते हैं। पावर ना ही फ्रैक्शन हो सकता है, ना ही नेगेटिव, ये भी गलत हो जाएगा। जैसे कि 5x³ - 3x^-1, ये भी आपका पॉलीनोमियल नहीं होगा, क्योंकि यहां तक तो सही है, ये टर्म है जिसमें वेरिएबल x है जिसका पावर 3 है, लेकिन ये जो आपका टर्म है जिसमें 3x^-1 है, दैट इज नॉट अ पॉलीनोमियल टर्म बिकॉज द पावर इज नेगेटिव। पॉलीनोमियल केवल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर को सपोर्ट करता है, इसीलिए कभी भी देख लिया जाए कि कभी वेरिएबल में पावर फ्रैक्शन आ रहा है या वेरिएबल पे पावर नेगेटिव आ रहा है, तो उसको पॉलीनोमियल ट्रीट मत करिएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। और अगर टर्म्स है और वेरिएबल का, जो कि यहां वेरिएबल है, उसका पावर अगर केवल पॉजिटिव आ रहा है, जैसे x^3 है, 9x^2 है, ठीक है, अगर केवल पॉजिटिव पावर आ रहा है तो इसको हम ट्रीट करेंगे एज अ पॉलीनोमियल। ये हमारा पॉलीनोमियल नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं होगा। बस समझ में आई? चलिए अब थोड़े जानते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल। ठीक, तो पॉलीनोमियल्स के टाइप्स में बेसिकली हम लोग जानेंगे पॉलीनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड पॉलीनोमियल्स, ठीक है, इन मोर देन वन वेरिएबल। मोर देन वन वेरिएबल का मतलब एक से ज्यादा वेरिएबल होना। आपको पता है वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज अ क्वांटिटी दैट चेंजेस इट्स वैल्यू। और कॉन्स्टेंट क्या होता है? एन एंटिटी दैट नेवर चेंजेस इट्स वैल्यू। बात समझ में आई? जैसे कि 5 हमारे क्या हो गया, एक कॉन्स्टेंट है, 5 कभी भी अपना वैल्यू चेंज नहीं करता है। और एक्स वाई जेड जो भी अल्फाबेटिक ऑर्डर में लेटर होता है, या फिर ग्रीक सिंबल अल्फा बीटा गामा ईटा एप्साइलन, ये सारे क्या है, वेरिएबल्स हैं, बिकॉज वेरिएबल्स कैन टेक एनी वैल्यू, वो वेरी करता है। ठीक, तो पॉलीनोमियल हो गया पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल में और पॉलीनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल। एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे कि पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल का मतलब x^2, 5x + 9x^2, 3t + 5t³, t^4 + t²-1। अब आप लोग बोलेंगे यहां पर तो सर आपका वेरिएबल अलग है, वेरिएबल अलग नहीं है, यहां पर x चल रहा है, फिर दूसरे एग्जांपल में यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, भले x का पावर यहां 1 है और x का पावर 2 है, फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल कितना है, x है, कोई दूसरा वेरिएबल दिख रहा है क्या, जैसे कि yt, नहीं दिख रहा है ना। तो दीज आर द पॉलीनोमियल्स इन वन वेरिएबल। बात समझ में आई?
चलिए अब प्रोसीड करते हैं पॉलीनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसमें वेरिएबल एक्स भी है और वेरिएबल वाई भी है, इसमें दो वेरिएबल है। वेरिएबल को कभी कंफ्यूज मत करिएगा पावर से, पावर डिफरेंट चीज होता है, यानी पावर जिसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं मैथमेटिकल टर्म्स में, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। यहां वेरिएबल देखिए, यहां एक्स अलग वेरिएबल है, वाई अलग वेरिएबल है, दैट इज वाई इट इज द वेरिएबल इन, सॉरी इट इज अ पॉलीनोमियल इन टू वेरिएबल्स, ठीक। और पॉलीनोमियल इन थ्री वेरिएबल्स हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर, एक्स वाई जेड आ रहा है ना, ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। अब आते हैं थोड़ा पॉलीनोमियल्स इन वन वेरिएबल के वैराइटीज में, क्या पॉलीनोमियल्स इन वन वेरिएबल, उसके भी टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है जीरो पॉलीनोमियल, जीरो पॉलीनोमियल, जीरो पॉलीनोमियल भी कांस्टेंट पॉलीनोमियल के अंडर ही आता है, लेकिन अभी हम थोड़ा ब्रीफली समझते हैं जीरो पॉलीनोमियल होता क्या है। जीरो पॉलीनोमियल केवल एक है दुनिया में, वो है जीरो। अब आप बोलेंगे कि इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं, ठीक है। अगर कोई भी टर्म है, जैसे कि कोई भी टर्म है टू, कोई भी टर्म है टू, और इसके आसपास अगर कोई वेरिएबल नहीं है, तो हम मान के चलते हैं अगर कोई वेरिएबल होगा तो उसका पावर क्या होगा, जीरो होगा। अगर वेरिएबल होगा तो उसका पावर क्या होगा, जीरो होगा, ये मान के चलते हैं। तो जीरो भी एक पॉलीनोमियल है, जिसको कहते हैं क्या, जीरो पॉलीनोमियल, ठीक। और उसके बाद आते हैं कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल्स में। कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल्स के एग्जाम्पल क्या है, जीरो वन टू सेवेंटीन, ठीक, जीरो वन टू सेवेंटीन, जिसका डिग्री जीरो होता है। डिग्री जीरो का मतलब क्या, अब यहां डिग्रीज आ रही है ना, डिग्रीज को थोड़ा और समझ लेते हैं यहां पर क्या होता है। देखिए डिग्री, डिग्री मैक्सिमम एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ द वेरिएबल, क्या लिखा मैंने, मैक्सिमम एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ द वेरिएबल। एग्जांपल से समझते हैं, आइए एक एग्जांपल लिया मैंने, 9x टू द पावर 3 12 सॉरी 9x टू द पावर 2 12x क्यूब प्लस 5x माइनस 9। ये जो एग्जांपल है ना, ये क्या है, एक पॉलीनोमियल है, ठीक। और इस पॉलीनोमियल में वेरिएबल कौन सा है, x, 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 मतलब पॉलीनोमियल इसमें x है। अब x का मैक्सिमम पावर देखिए कहाँ है, यहां पर क्या है, x टू द पावर 2 है, x टू द पावर 3 है, x टू द पावर 1 है, और यहां पर x का पावर नहीं है, तो x टू द पावर क्या कंसिडर करेंगे, 0, x टू द पावर 0 कंसिडर करेंगे, ठीक। मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगा, x का मैक्सिमम पावर ये है 3। तो वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है पॉलीनोमियल में, वही एज अ डिग्री ट्रीट किया जाता है। यहाँ एक्स का मैक्सिमम पावर 3 है, तो उसका डिग्री हो गया 3। आइए डिग्री जीरो के एग्जांपल में, डिग्री जीरो, जैसे कि 309, मैंने बताया था ना 309 पॉलीनोमियल होता है, लेकिन उसका डिग्री जीरो क्यों होता है, क्योंकि 3 को ऐसा लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 0, 0 को भी लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 0, 9 को भी लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 0। मैंने एक्स लिया, आप लोग वाई ले लेना, टी ले लेना, मतलब वेरिएबल का पावर कितना चढ़ रहा है, जीरो। और आपको पता है वेरिएबल किसी भी चीज का अगर पावर जीरो चढ़ जाता है तो वो क्या हो जाता है, वन हो जाता है। जैसे कि टू टू द पावर वन, सॉरी टू टू द पावर जीरो वन हो जाएगा, 196 टू द पावर जीरो वन, एक्स टू द पावर जीरो वन, किसी भी चीज का चाहे वो वेरिएबल हो या फिर कॉन्स्टेंट हो, उसका पावर अगर जीरो हो गया तो वन है। तो यहां कंसिडर करते हैं कि वेरिएबल है लेकिन उसका पावर क्या है, जीरो है, इसीलिए इनको इनका डिग्री क्या होता है, जीरो होता है। बस समझ में आई। अब आते हैं डिग्री वन वाले क्वेश्चन। देखिए ये जो एग्जांपल है डिग्री वन, 5x माइनस 9, ये एक लीनियर इक्वेशन है, क्या लीनियर इक्वेशन है, जिसमें वेरिएबल केवल एक है और जिसका पावर वन है, ठीक। 5x माइनस 9 और यहाँ 6x, ठीक। इसमें डिग्री कितनी है, वन है इसकी डिग्री, इसमें डिग्री वन है। तो अगर इस पॉलीनोमियल को देखें 5x माइनस 9, तो इसमें मैक्सिमम पावर कितना है, एक्स का वन है, और 6x में देखा जाए तो x का मैक्सिमम पावर कितना जा रहा है, 1, मतलब वेरिएबल का मैक्सिमम पावर ही डिग्री होता है, तो इसलिए डिग्री 1 है। और डिग्री 2, डिग्री 2 किसको बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 रहती है, जिस भी इक्वेशन का डिग्री 2 होगा दैट इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए 2x स्क्वायर माइनस 9x, ये पहला एग्जांपल है पॉलीनोमियल का, और 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 1, ये दूसरा एग्जांपल है। अब यहां क्या हो रहा है, डिग्री 2 है, क्यों डिग्री 2 है, यहां वेरिएबल देखिए 2x टू द पावर 2 है, माइनस 9x है, वेरिएबल क्या है, x है, लेकिन यहां पर x का पावर 1 है और यहां x का पावर 2 है, मैक्सिमम पावर क्या हो गया, मैक्सिमम पावर 2 है, देयरफॉर द डिग्री इज 2। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 1, x यहां पर वेरिएबल क्या है, x है, x का पावर यहां पर क्या है, 2, उसके बाद यहां पर x का पावर क्या है, 1, और माइनस 1, माइनस 1 के पास x है, चलिए मान लेते हैं, तो उसके पास अगर x है तो x टू द पावर 0 होगा, तो इसके पास डिग्री, सॉरी इसके पास x का पावर 0 होगा, इसके पास 1 है, इसके पास 2 है, मैक्सिमम पावर क्या, 2, एंड हेंस इट इज हैविंग अ डिग्री ऑफ 2। बात समझ में आई डिग्री। अब चलिए यहां पर आइए फिर से, जीरो पॉलीनोमियल क्या बताया था, डिग्री 0 होना चाहिए और उसके एग्जांपल केवल एक होता है, वो है 0। बात समझ में आई। अब आते हैं कांस्टेंट पॉलीनोमियल में, कांस्टेंट पॉलीनोमियल में डिग्री कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक, और उसमें सब आता है, 0 1 2 17 कुछ भी ले लो, कोई भी नंबर, ठीक, वो आ जाएगा आपका
कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल में, क्योंकि उसका भी डिग्री जीरो होता है। अब आते हैं लीनियर पॉलिनोमियल में। लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होता है? वन। क्या होता है? डिग्री वन। एग्जाम्पल है 5x plus 9, 3x, 6x minus 9। देखिए इसमें डिग्री क्या है? वन है, वन है। और x, x का कोई और पावर दिख रहा है क्या? चलिए ठीक है, 9 के पास अगर दे दोगे तो क्या हो जाएगा? 9x to the power 0 हो जाएगा। ठीक, तो डिग्री क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि x का मैक्सिमम पावर क्या है? 1। इसमें भी x का मैक्सिमम पावर 1 और 6x minus 9 में भी मैक्सिमम पावर 1। Hence they are known as linear polynomial with degree equal to 1। अब quadratic polynomial में चलते हैं। quadratic polynomial डिग्री होता है 2। Example 3x square minus 9, x का मैक्सिमम डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर 2। 3x square minus 5x plus 9, इसमें वेरिएबल x है और x का मैक्सिमम पावर क्या आ रहा है? 2। यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर पावर 0 है, तो 2 मैक्सिमम है, इसलिए डिग्री 2 हो गया। और वैसे ही 5x square plus 16x plus 3 में आपका मैक्सिमम पावर x का 2 है, तो डिग्री 2 होगा। बात समझ में आई? अब आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में। क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री आपका 3 होता है। क्या होता है? डिग्री 3। कैसे? अब देखिए 5x cube है plus 2x square plus 3x plus 2। x का पावर कितना है यहाँ पे? 3। इसमें x का पावर 2, इसमें x का पावर 1 और इसमें 2 है ना। 2 क्या होता है? 2 आपका होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक, तो उसमें x का पावर 0 लेके चलेगा, क्योंकि x टू द पावर 0 हो गया तो क्या हो जाता है? 1 ही हो जाता है। 2 इंटू 1 फिर से 2 आ जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैक्सिमम पावर x का 3 हो रहा है, इसलिए डिग्री 3। और यहां पर भी देखिए 2x cube plus 5x, मैक्सिमम x का पावर 3, डिग्री 3। 5x 15x cube plus 2x square minus 9, मैक्सिमम पावर x का 3, therefore डिग्री 3। इतना तक क्लियर? चलिए अब थोड़ा आते हैं और इसका ब्रीफ, इसका पॉलिनोमियल का और डिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर और कॉन्स्टिट्यूएंट्स आते हैं। ठीक, और उसमें क्या होते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल? ऐसे भी होते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ये टर्म्स के बेसिस में होते हैं। किसके बेसिस में होते हैं? टर्म्स के बेसिस में। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, टर्म्स आपको पता है ना क्या होता है? ठीक, फॉर एग्जाम्पल 2x क्यूब है प्लस 9x स्क्वायर है। ठीक, इसमें 9x स्क्वायर भी एक टर्म है और 2x क्यूब भी एक टर्म है। दो टर्म मैथमेटिकल ऑपरेटर से सेपरेट होते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेटर क्या है? प्लस। बात समझ में आई? तो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? फॉर एग्जाम्पल मोनोमियल है, मोनोमियल में कितना टर्म होना चाहिए? केवल एक। मोनो का मतलब होता है 1, बाई का मतलब होता है 2 और ट्राई का मतलब होता है 3। ठीक है, इसमें डिग्री नहीं देखते हैं, बस देखते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। मोनोमियल में कितने टर्म होने चाहिए? 1 टर्म होने चाहिए। देखिए 5x है, ये भी मोनोमियल है। ठीक, और 2 ये भी मोनोमियल है, 9x स्क्वायर ये भी मोनोमियल, 3x टू द पावर क्यूब ये भी मोनोमियल। टर्म्स कितने? एक है, और वो टर्म कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट भी हो सकता है, या फिर अकेला कॉन्स्टेंट भी हो सकता है। बाइनोमियल में 2 टर्म्स, 2x स्क्वायर माइनस 9, 5x प्लस 4 एटसेट्रा। समझ में आई? ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स, 3x square minus 9 plus 2x. ठीक है, नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक।